फ्रेंड्स, देखो आज मैं ये डिज़ाइन आपको बताने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मैंने ये 20 फंदे डाल लिए हैं। इनको पहली रो सीधी निकाल ली है। सीधी सिलाई निकालते हुए हम ये रो बनाएंगे। सीधी सिलाई बना ली है, अब मैं दूसरी सिलाई उल्टी निकालूंगी। ये दूसरी सिलाई उल्टी ऐसे निकालनी है, पूरी सिलाई उल्टी निकालनी है। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है। ये सादा सिलाई चार निकालनी है, इसमें चार सिलाइयाँ सादा निकालने के बाद अब मैं बताती हूँ आपको। पहला फंदा स्लिप करना है, फिर हमने एक दो तीन, तीन फंदे जैसे ये बुन लिए हैं, उसके बाद एक दो तीन, तीन फंदों के बाद इसके नीचे देखना है एक दो तीन चार, चौथे छेद में से ऐसे हमको एक लूप बनाना है। ऐसे लूप बनाते हुए हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनना है, फिर लूप बनाना है नीचे उसी छेद में से, फिर एक फंदा बुनना है, फिर लूप बनाना है। इस तरह हम छह लूप बनाएंगे और बीच बीच में एक फंदा बुनेंगे। ये हमारे दो हो गए, नहीं सॉरी, वन टू थ्री, थ्री के बाद फोर, फाइव और ये सिक्स, सिक्स लूप बना लिए हमने। ये सिक्स लूप बना लेने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बनाने के बाद हमको तीन फंदे बुनने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे बनाने के बाद फिर हमको ये देखना है, ये तीन फंदों के बीच में से एक दो तीन चार, चौथे में से नीचे फिर लूप बनाना है ऐसे, फिर एक फंदा बुनना है, फिर लूप बनाना है दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे हमको छह लूप बनाने हैं, फिर तीन फंदे बुनने हैं, एक दो तीन। अब फ्रेंड्स ये हमारे लास्ट के फंदे हैं, हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई है हमारी। उल्टी सिलाई में ये जो हमने सादा फंदे बुने थे इनको ऐसे ही बुनना है, ऐसे बुन लेना है। अब जो ये लूप बनाए थे हमने उसको सीधा पीछे से बुनना है, एक फंदे के साथ दूसरा, ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया था हमने उसको घटाते हुए ऐसे ऐसे बनाना है, उसको पीछे से ऐसे घटाते हुए बनाना है। फिर
फिर ये उल्टे फंदे बनाने हैं दो, फिर सीधे फंदे में ऐसे घटाना सीधे। देखो फ्रेंड्स, ऐसे ये हमारा डिजाइन ये आ जाएगा, इस तरह ये डिजाइन बन जाएगा। अब इसके ऊपर हमको चार सिलाइयां ऐसे ही सीधी बनानी है, एक सीधी सिलाई इसके बाद बनानी है, ये सीधी सीधी ही निकालनी है, पूरी सिलाई सीधी निकालनी है और फिर उल्टी निकालनी है, फिर सीधी निकालनी है, फिर उल्टी निकालनी है, उसके बाद हमारा डिजाइन डलेगा चार सिलाइयों के बाद। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये जैसे ये फूल दो बने हैं, इन दोनों के फूल के बीच में हमको ये बनाना है। इसी तरह हम मैंने शुरू में ये आधा ही फूल बनाया है, इधर कम फंदे थे, अब ये तीन फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए हैं। अब तीन फंदों के बाद फिर हम डालेंगे, अब ये एक दो तीन, तीन फंदे के बीच में हमको देखना है, एक दो तीन चार, चार में से यहाँ से लूप बनाना शुरू करना है ऐसे, और एक एक दो। ये छह लूप हमने ऐसे बना लिए, जैसे पहले भी मैंने बताया, अब हमने इनके बीच में बनाया, इन दोनों के बीच में। इसी तरह हमको ध्यान रखना है, बीच में बनाते जाना है, एक दो तीन, तीन फंदों के बाद फिर हम देखेंगे, ये तीन फंदे हैं, तीन फंदों के बीच में से एक दो तीन चार, चार में से यहाँ से लूप बनाना है, एक हाँ फ्रेंड्स देखो, ये मैंने ये बना दिया है, ये देखो ऐसे ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये अब उल्टी सिलाई में कैसे बनाना है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये जो उल्टा फंदा उल्टा लेना है और ये देखो ऐसे इसको ऐसे घटाना है, इसके साथ फिर ऐसे, इसके साथ फिर ऐसे, इसके साथ ये ऐसे ऐसे एक एक बार घटाते जाना है। बहुत इजी है ये पैटर्न, बहुत सुंदर दिखने वाला और बहुत इजी पैटर्न है, आप बना के देखना, स्वेटर में डालो, बच्चों के स्वेटर में डालो, कार्डिगन में डालो, किसी में भी डालो, बहुत ही सुंदर दिखने वाला। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको फिर से बता दूंगी। देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये ऐसे बनके तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा दिखने वाला पैटर्न है, आप किसी में भी डालो, बहुत अच्छा लगेगा। और जब अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट करो, और कमेंट जरूर करना, अच्छा लगता है मुझे सुनना कि मुझे ये समझ आ गया, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट जरूर करें, थैंक यू।